केसेस आते थे उन केसेस को भी हम ठीक ढंग से एक दूसरे को बातचीत करके चला लेते थे और तमाम हमारे बिजनेसमैन जितने भी गुलबर्गे के हैं उनके साथ हम मिलजुल के रहते थे सुबह शाम। ऐसा रहता था कि एक घर के लोग मिल रहे हैं, ऐसे बहुत से उनके दोस्त भी यहाँ है और मेरे दोस्त भी हैं, तो हमको ऐसा होता था कि अगर एक दिन नहीं मिले तो भाई कहाँ है कौन है, एक दूसरे से फोन करके भी हम बात करते थे। लेकिन ऐसा आदमी हमको आज छोड़ के चला गया और जिस खास करके उनके जो कॉम्प्रोमाइजिंग और सबको लेके चलने की जो बड़ापन था और जहाँ भी थोड़ा कुछ तकरार होता था उसको मिटाना, एक दूसरे से बात करने लगाना, यह बहुत अच्छी क्वालिटी उनकी थी। और इसीलिए मैं जब MLA बना उनको फिर मैंने कोशिश की कि 78 में फिर MLA बनाने का, लेकिन किसी वजह से वो नहीं बन सके। उसके बाद हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जब मैं चेयरमैन था, प्रेसिडेंट था, मैं MLA होने के बाद छोड़कर फिर उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया, फिर उनको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बनाया, फिर उसके बाद में उनको यहाँ पर जो सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड उसका भी चेयरमैन उन्होंने बना। ऐसा हम हर चीज में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करते थे। MP सीट भी उनको दो बार मिली, लेकिन MP सीट उन्होंने कभी मांगी नहीं थी। हमने अपने स्ट्रेटेजी से ये सोचा कि जो आदमी बहुत दिन से संगठन में काम कर रहा है और कोई भी यहाँ से चुन के आ सकता है तो हमारा दोस्त क्यों नहीं आना। इस वजह से उनको हमने